अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आज हम लगा रहे हैं गीज़र ये गैस पे और इलेक्ट्रिक पे गीज़र है, ये गीज़र लगा रहे हैं। ये देखिए गैस पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक है, 2-in-1 गीज़र है ये देखिए। तो ये गीज़र हम लगा रहे हैं तो आपको दिखाते हैं ये कैसे लगता है। मैंने आरजी फिटिंग कर दिया, अभी इसको करूँगा। तो ये छोटा था गीज़र, पॉइंट ऊपर रखे हुए थे मैंने, बड़े गीज़र के रखे हुए थे पॉइंट। तो यहाँ पे बैरल पर वाल हैंडल वाल लगा रहा हूँ, यानी कि अगर दोबारा इसको खोलना पड़ जाए तो यहाँ से पानी बंद कर ले मेन। उसके बाद रिटर्न वाल लगाया है ओरिजिनल जापान का, तो इससे अगर कभी पानी ओवरफ्लो इसका हुआ तो कभी बैक नहीं जाएगा पानी इसका। तो जिस तरह टैंकी खाली हो जाती है पानी, गीज़र का बैक चला जाता है गर्म होने की वजह से, प्रेशर की वजह से। तो गीज़र खाली नहीं होगा, बैक पानी नहीं जाएगा। और उसके बाद यहाँ मैंने यूनियन लगी है, यहाँ एल्बो लगी है, और उसके बाद साथ ही गर्म फिटिंग करते हैं। चले आपको दिखाते हैं कैसी इसकी फिटिंग होती है। जी ये यहाँ पे ठंडे की फिटिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं अभी अकेला बंदा हूँ और एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से ये कर रहा हूँ सेटिंग इसकी। धागा लगा के फिर मैंने जॉइंट टेप लगा दी, सर्किट हो गए, पार्ट ऊपर थे बड़े गीज़र के थे इसलिए लगा दी सर्किट, ऊपर लगा दी। मैंने रिटर्न वाल बैरल पर मालनी पर बाल लगा दिया, तो अब इसकी मैं करूँगा कसाई। गीज़र हो गया मुकम्मल, इसकी फिटिंग हो गई है, इंशाल्लाह शुभ हो जाएगा वाला।